lot of friends will be going. What about Brad? Brad's like a s***. He had a real movie stars. The biggest band on the planet. All right, Leo. I love the direction. Come on in, guys. Take a seat. Can I just say what huge fans we are of you guys? Huge? No, Style, Louis, Liam, Harry, Zach. Oh, my God, hello. He said, sure, whatever you say, big guy. We cannot wait for this movie. It's going to be the greatest movie of all time. I'm talking Academy Awards. Emmys, Baffles. Have you ever seen Forrest Gump? No, better than that. Have you seen The Hammer? Yeah. Funnier than that. Have you seen Titanic? Of course. Sadder than that. Sounds okay. It's better than OK, Zach. It's a war. We want to introduce you to our Mark. Marcel! Marcel! Hi. Here he is. He's been arguing for some software. Really nice to meet you guys. I'm a huge fan. Cute as a button, every single one of you. First scene, I'm talking massive dance numbers. 100 dancers, fireworks, the love of dance is just so hot right now. You know, I used to be a dancer. Really? What kind? Eh, mean stuff. Gotcha. I want you to meet Leroy. He's gonna be your choreographer. Leroy! Hi, boys! Hi! Okay, so here's what I'm thinking. First of the numbers, it's gonna be really big. Stay with me. I'm working at 5, 6, 7, 8. We never do. So let's take a look at some of the styling options for the film. Now, this one, I think this one is the one. That guy is Miller. Right, how about this one? You test him really well. I don't do it. Ma'am, look at it. Ah, you have to look. Camera look. Like. I don't do it. I know. Nah. Yeah. It's your commitment to the कौन बीच में घुस रहा है? हटो इसको, कौन बीच में घुस रहा है? I'm just saying.
चले मेरे को सैटरडे को जरूरी है कि चाहिए। जी मेरा पर्सनल फ़ोटो शूट है और हम एक मैगज़ीन के लिए भी शूट कर रहे हैं जो मे के एडिशन के लिए है। सो मैं मैगज़ीन का नाम नहीं ले सकती क्योंकि ऑब्वियसली उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लॉज रहते हैं। सो या इट्स अ वेरी फन फ़ोटो शूट, मज़ा आ रहा है, बहुत ही ग्लैमरस फ़ोटो शूट है, यू नो काफ़ी सेक्सी लुक्स है और जो हमारे फोटोग्राफर है उन्होंने अच्छा जॉब किया है, मेरे स्टाइलिस्ट ने भी मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिए। सो आई एम लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड डूइंग वेल। जी समर के लिए, हाँ मे के एडिशन के लिए, सो या इट्स अ समर एडिशन। तो वॉट जी जी बिल्कुल, जो मेरी अपकमिंग मूवी है ग्रेट रन मस्ती वो जून रिलीज़ है, वो एक्चुअली पहले रिलीज़ होने वाली थी लेकिन अभी पोस्टपोन हो गई है क्योंकि प्रोड्यूसर्स की यू नो उनके जो भी वजह है। सो इट्स को प्रोड्यूस बाय बालाजी और अशोक ठाकरिया ने प्रोड्यूस किया, तो नथिंग आई हैव अ मेजर रोल इन द मूवी एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग ऑल्सो इन द मूवी विद ऑल थ्री बॉयज़, जो हमारे थ्री बॉयज़ हैं आफ्ताब, विवेक और रितेश, और या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी। और मेरी एक और फिल्म जो मैंने अभी कंप्लीट की है वो है पैरानॉर्मल, जो एक हॉरर और थ्रिलर जॉनर है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, और वो हमने अभी मनाली में ख़त्म की है, तो आई थिंक वो कुछ अगस्त रिलीज है, तो ये साल मेरी दो रिलीज है। जी नहीं, लेकिन जब मैं बिग बॉस में थी तब तो नॉर्मल रहती थी। आई थिंक एक्चुअली मुझे ये चीज़ को चेंज करना है कि हमेशा यू नो जो सोनाली रही है वो हमेशा, ऑब्वियसली वो एक फैशन इंडस्ट्री से आई है, सो बीइंग ग्लैमरस वो बहुत नेचुरल है और मेरे जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं वो ग्लैमरस ही रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू डू अ नॉर्मल यू नो लव स्टोरी और बट यू नो मेरी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, तो मे बी इन अ फिल्म मेकर्स थिंक के शायद मैं यही कैरेक्टर में अच्छी लगती हूँ, बट नहीं दिस ईयर आई हैव कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर, तो आई थिंक आई हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स विच आई एम प्लेइंग, सो नहीं आई डोंट थिंक सो आई एम टाइप कास्ट, आई कैन बी प्रिटी ऑल्सो, आई कैन बी डू एक्शन ऑल्सो, आई कैन डू एवरी थिंग, आई थिंक पीपल शुड स्टॉप टाइप कास्टिंग मी। Whom I would like to work with? जी मैंने पहले मिस्टर संजय लीला भंसाली का नाम लिया था क्योंकि वो मेरे फेवरेट फिल्म मेकर है, फेवरेट डायरेक्टर है, उनकी जो फिल्में हैं वो बहुत ही लार्जर देन लाइफ और मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं, तो वो जिस तरीके से अपनी फिल्में बनाते हैं वो बहुत ही एफर्ट डालते हैं, समझ में आता है उनकी हर एक फिल्म की जो फ्रेम होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, यू नो उनका कैनवस ही बहुत ब्यूटीफुल रहता है, सो ऑब्वियसली आई वुड लव टू वर्क विथ हिम और या अगर चांस मिले तो व्हाई नॉट। आई एम एन एक्टर सो यू नो मुझे हर चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नॉट जस्ट लाइक बींग ग्लैमरस और लाइक बींग स्वीट, एज एन एक्टर मुझे सब कुछ करना है, मुझे कॉमेडी भी करना है, एक्शन भी करना है, थ्रिलर भी करना है, यू नो एवरीथिंग, लाइक क्योंकि एक्टर शुड बी लाइक फ्लेक्सिबल, उसे सब कुछ करना आना चाहिए। सी एक्चुअली ये बहुत जल्दी आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि झलक आई थिंक 2-3 महीने के बाद है, तो अभी तक तो मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, आई थिंक बहुत जल्द मैं आपको बता सकती हूँ, आई कैंट टॉक अबाउट इट नाउ, आई कैंट टॉक अबाउट इट, वी शैल सी इन फ्यू मंथ्स।
जी नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है उनकी एक, मैंने रेडियो पे उनका एक गाना सुना था, और आई थिंक मिस्टर शाहरुख खान ही बोल रहे हैं कि वो गाना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बनाया है, तो आई थिंक वो गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो दैट्स समथिंग डिफरेंट। जी एक्चुअली मैं रिसेंटली सलमान को मिली थी, तो उनका मैंने लुक देखा है, आई थिंक ही इज प्लेइंग अ रेसलर इन द मूवी, तो सलमान तो वैसे भी बहुत फिट है, और उन्होंने थोड़ा अपना लुक चेंज किया है सुल्तान के लिए, सो इज लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, और आई थिंक वो पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी। ओके, हु इज अ बेटर रेसलर, यू नो, इवन आमिर खान इज प्लेइंग इन द बेस्ट इन दंगल, सलमान और आमिर खान? एनी डे सलमान, सॉरी सॉरी। Okay. You are saying he can play a better wrestler than No, it's just that I love Salman. Yeah. Any day. This is what you say. Yeah. But Amir is, I think both are like, I think you can't compare Amir and Salman. वो दोनों अपने अपने तरफ से अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं. And they both are fabulous. And I love both of them. ओके, झलक में आप जब पहुंचेगी और एक जज का एक जज की कुर्सी पर बैठना होगा, यू नो, जो भी देयर ऑन द साइड, तो वो हाउ यू सी दिस, यू नो। एक्चुअली आपने फिर से झलक के बारे में पूछ लिया, मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूं। मान लीजिए आप झलक ना भी बैठ कर रहे एज ए जज कहीं आप जाते हैं, तो वो कितनी जिम्मेदारी का काम है? आई थिंक एज अ जज मुझे अभी तक कोई ऐसा शो नहीं मिला है जिसमें मैं जज बनूं, जब मैं बनूंगी आई थिंक तभी मैं ये सवाल का जवाब दे सकती हूँ। फिलहाल जब तक के लिए मैं कोई चीज़ एक्सपीरियंस ना करूँ, इट्स फनी टू टॉक अबाउट। पैरानॉर्मल के बारे में किस तरह के किरदार में आप नजर आएंगे और कितना चैलेंजिंग रहा पैरानॉर्मल का हिस्सा बनना, और अपने किरदार के बारे में आप बता सकते हैं? एक्चुअली हमारी शूट मनाली में हुई, और हम जनवरी के मंथ में शूट कर रहे थे, तो वैसे भी वहाँ पे बहुत स्नोफॉल था, बहुत ही ठंड थी, हमें पूरे यू नो जैकेट और ओवरकोट और बूट्स में हम थे, और जब शूटिंग की बात होती है तब आप पूरा टाइम जैकेट्स और पूरा टाइम अपने आप को आप कवर नहीं कर सकते, तो आई थिंक वेदर वाज वन थिंग जो बहुत ही चैलेंजिंग था, बट डायरेक्टर यू नो बहुत अच्छे थे, और हमने वर्कशॉप भी की थी, तो कैरेक्टर बहुत ही क्लोज था, मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अगेन, और मज़ा आया करने में, क्योंकि शी इज़ अ बार डांसर, और या एक्चुअली यू शुड वॉच द मूवी, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती कैरेक्टर के बारे में। ओके, हु विल बी शूटिंग फॉर, यू नो, दंगल और सुल्तान? ये क्या है? दिस इज नॉट डांस, ये दिस इज लाइक, आई थिंक आई विल बी शूटिंग फॉर सुल्तान, सॉरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.